जय हिंद आर्मी अग्निवीर भर्ती आपका आज के डेट में हुआ है आगरा में, उसका पूरा डिटेल बताएंगे जो आज पांचवा दिन था भर्ती का 24 सितंबर के डेट में, यानी आज की डेट में क्या कुछ भर्ती हुआ है, वहां पे कौन सा ट्रेड का भर्ती हुआ है, किस ट्रेड में कितना का बैच बना है, कितना एक बैच में अप्रोक्स बच्चों को पकड़ा गया है, जो रिपोर्ट आया है मेरे पास वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और साथ ही साथ टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर और इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी देने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही पहले मतलब एक घंटा पहले रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास, जितना जो हिसाब से टाइमिंग मिला वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द वीडियो बना के शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले उस समय शायद आपका जो बच्चे रिपोर्ट दिए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही पहले ये बच्चे रिपोर्ट दिए थे करीबन आपका क्लर्क और ट्रेडमैन का भी बच्चे उसमें रनिंग क्वालिफाई कर लिए थे, मतलब की रनिंग कम्प्लीट कर लिए थे और बहुत सा निकले हैं, उनके जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि उस जगह पे कलर और ट्रेडमैन की आज भर्ती हुई है, और इसमें आप दो डिस्ट्रिक्ट का भर्ती हुई है, जो आज आपका फिरोजाबाद और इटावा का डिस्ट्रिक्ट का भर्ती हुआ है। इसमें जो आपका क्लर्क ट्रेडमैन का क्लर्क और ट्रेडमैन दोनों ट्रेड का आज भर्ती हुआ है, जो आपका क्लर्क में दो का बैच बना था, दो आपका बैच बना था, और दूसरा आपका जो ट्रेडमैन में आपका तीन मतलब की बैच इसमें बना था, मतलब टोटली पांच समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए जो जिस वक्त भर्ती हुआ था, जिस वक्त बच्चे निकले थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने का बैच बना था। तो क्लर्क में आपका दो मतलब की बैच बना था, उसमें से आपका फर्स्ट बैच करीबन बच्चे बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं 350, कोई 300 प्लस समथिंग बता रहे हैं कि इतना का सर ग्रुप बन रहा है, मतलब कि अप्रोच अगर देखा जाए तो वही आपका 300 प्लस का बैच बना था क्लर्क में फर्स्ट बैच के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें से बच्चे जो बता रहे हैं कि सर वो मतलब सिलेक्टेड हो रहे हैं, अप्रोच बता रहे हैं कि 15-13 कुछ इस टाइप से बता रहे हैं कि फर्स्ट बैच जो बना था क्लर्क में, तो 15 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था। और उसमें से जो टाइमिंग दिया जा रहा है वो आपको टाइमिंग दिया जा रहा है 5 मिनट से प्लस टाइमिंग दिया जा रहा है, मतलब 5 मिनट तक का आपका टाइमिंग दिया जा रहा है। और दूसरा जो एक्सीलेंट के बारे में बता रहे हैं कि एक्सीलेंट 4:40 तक वाले मतलब कि 4:40 में जो कंप्लीट कर रहे हैं टाइमिंग में, वो एक्सीलेंट में रखा जा रहा है उनको। टाइमिंग अगर कह दिया जाए तो 5 मिनट प्लस ही आपका इसमें टाइमिंग दिया जा रहा है, ये क्लर्क की फर्स्ट बैच के बारे में आपको बताया, ठीक है। दूसरा बैच में ये आपका रिपोर्ट आ रहा है कि 200 का बैच बना है, ग्रुप बना है, फर्स्ट बैच आपका 300 प्लस का बता रहे हैं, और जो सेकंड जो बैच बना कलर का वो बता रहे हैं कि आपका 200 का वहां पे बैच बन रहा है। और इसमें भी आपका टाइमिंग सब कुछ सेम समय है, कोई बच्चे बता रहे हैं कि वहां पे ग्राउंड सही है तो कोई कुछ बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ज्यादातर उम्मीद है, बहुत सारे बच्चे बताए कि वहां पे ग्राउंड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड आपका बिल्कुल ही सही है, लेकिन मौसम वहां पे खराब है, इसीलिए आपको सुविधा के साथ वहां पे जाना है, सेफ्टी के साथ सब कुछ वहां पे ऑलरेडी पहले तैयारी के साथ आपको वहां पे जाना है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड्समैन का, तो ट्रेड्समैन का वहां पे आपका जो ग्रुप बना है वो आपका 125 के बता रहे हैं। अब 125 में से बता रहे हैं कि तीन ट्रेडमैन का बैच बना था, और उसमें से बता रहे हैं कि टाइमिंग जो दिया जा रहा है वो आपका 5:30 का आसपास इसमें टाइमिंग दिया जा रहा है। तो इस टाइप से मेरे पास रिपोर्ट आई है। और देखिए हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका किस टाइप से रनिंग करना है, तो आपको देखिए जिसमें जो कंफर्टेबल लगे वैसे आपको रनिंग करना है भाई, जैसे आप होम ग्राउंड में तैयारी किए ना वैसे आपको मतलब कि वहां पे रनिंग करना। कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे विदाउट शू के भी रनिंग करते हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं वो शू के भी रनिंग करते हैं, तो आपको जो जैसे जो लगता है कि हम इसमें मतलब कि हम निकाल सकते हैं दौड़, और जो आप तैयारी की है जबरदस्त इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा होता है विदाउट शू के भी बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, और बहुत सा शू पहन के भी स्पीड में दौड़ते हैं, तो आपको जैसे जो वहां पे लगे एकदम पूरा जी जान लगा देना है। जिन भाई लोग का पिछले मतलब कि भर्ती अभी आने वाला है वो ध्यान से जाए, समझ के जाए, शू के साथ जाए, ताकि आपको कंफर्टेबल शू में लगे, तो शू के साथ ही आप वहां पे रनिंग करें। दूसरा मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या कुछ वहां पे आपको लेकर जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं कि अलग से हम एक वीडियो बना चुके हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर A to Z पूरा डिटेल के साथ बताए हैं। देखिए डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इतना मेहनत से रनिंग क्वालिफाई करते हैं, आप बीम मारते हैं वहां पे जीत तक बैलेंस का, मतलब बहुत हार्ड होता है रनिंग यार, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते तो विद इन सेकंड में वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या फायदा है इतना फिजिकल में तैयारी करके जाते हैं। तो इसीलिए आप A to Z डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, जो डॉक्यूमेंट्स का हम डिटेल बता चुके हैं अलग से वीडियो में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट।
मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा, आप देखें समझे और वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपका टेस्टमैन के बैच बना था उसमें से जो बच्चे को अपने पकड़ा गया है बता रहे हैं कि सर 11, 12, 13 इस टाइप से बच्चे बता रहे हैं, मतलब कि कोई बता रहे हैं 12, 13 तो कोई बता रहे हैं 11, इस टाइप से रिपोर्ट आई है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो